بسم الله الرحمن الرحيم. हमारे जो पिछले लेक्चर थे उसमें हम इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें एक पिक्चर में हमने लास्ट 7 इयर्स पे डिस्कशन किया था। इसी तरह हमने ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन इकॉनमी पर डिस्कशन की थी। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, इनकी जो रिलेशनशिप है, उनकी जो आपस में रिलेशनशिप है, उस पर हमने डिस्कशन की थी। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कशन करेंगे अबाउट इकॉनमी टुडे, मतलब करंटली जो हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन है एंड पोस्ट इकोनॉमिक सर्वे सिनेरियो एंड व्हेन द न्यू बजट हैज बीन अनाउंस। सो इसी तरह कुछ स्टेटिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे, और एक पिछले जो हमारे इकोनॉमी के 3 4 साल है उनकी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, दैट व्हाट हैज हैपेंड टू आवर इकोनॉमी एंड हाउ वी आर गोइंग अहेड। सो वी नो दैट द एपिडेमिक ऑफ या वी कैन से द पेंडेमिक ऑफ कोरोना हैज अफेक्टेड ईच एंड एवरी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, बट सेवेरिटी ऑफ द डिस्टर्बेंस डज मैटर अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑफ कोर्स द रिस्पॉन्स। सो वी वुड ट्राई टू एक्सप्लेन द इम्पैक्ट्स ऑफ कोरोना एज वेल एंड लाइक थ्रू आवर फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल। If we looked our economy, it shows us a great divergence. मतलब 2013, 2008 से लेके आप 2013 तक देखिए, 2013 से लेके आप 2017, 18 तक देखिए, और फिर जो पीटीआई की मौजूदा हुकूमत है 18, 19, 20 इसमें, तो हमारी जो इकॉनमी है इट हैज शोन और ग्रेट डाइवर्जेंस। लाइक कभी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा बहुत ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी इन्फ्लेशन हमारा नीचे आ जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी पेट्रोलियम का हमारा क्राइसिस होता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी का होता है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट का जो बम्प है वो हमारे इकॉनमी में आ जाता है। तो इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के हम डाइवर्जेंस और मुख्तलिफ किस्म के इशूज वी आर फेसिंग। जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उसकी जो रिपोर्ट है और उनकी जो इवन हमारे इकोनॉमिक सर्वेज है, इट शोज दैट जीडीपी ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान वाज इंक्रीजिंग फ्रॉम 2012 टू 13 एंड नाउ देन इट रीच टू इट्स हाईएस्ट ऑफ द डिकेड, दैट इज 5.8% इन 2017 18 एंड देन दे वर सेइंग आई मीन द न्यूली गवर्नमेंट वाज इज फोरकास्टिंग that we would reach to around 6% in 2018-19, and they described it in their budgetary statements that Muftah Ismail Saab presented in the National Assembly in 2018. But then what happened? Pakistan Tehreek-e-Insaf's government came to its power, and of course this is one of the issue of the developing economies, that whenever we have a new government comes to existence, came into power, they change different policies, including the economic ones. So as the PMLN की हुकूमत जो है उनका टारगेट ग्रोथ था 2018-19 के लिए था उनका 6% या 6.2% तक उनकी थी वो हो, लेकिन पीपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पहली हुकूमत थी जिन्होंने उस साल में दो तीन मिनी बजट लेके आए और एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कर गई, तो उससे उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इट रीच टू डिक्रीज एंड देन इट रीच टू 3.9 एंड देन इकोनॉमिक स्टालवर्ट्स लाइक डॉक्टर हफीज पाशा साहब एंड अदर वर सेइंग दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट 3.3 बट इन इफेक्ट इट इज 1.9,
which the government and its officials rejected at the start, but then they accepted that yes, 3.3 is a little exaggerated, and our growth is near 2 or 1.9%. अब 2017-18 में हमारे जो स्टैटिस्टिक्स थे हुकूमत के, वो तो मतलब हमारे जो क्लेम्स थे कि आवर इकोनॉमी इज डूइंग सो वेरी वेल एंड वी आर डूइंग वेरी वेल, द पीपल आर हैप्पी एंड इकोनॉमी इज एट ग्रेटर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, बट द देयर वाज कंट्रास्टिंग साइंस ऑन आवर even our official data. One of the issues is our twin deficit, that is our current account deficit and fiscal deficit, they are increasing from year 2015-16 and onwards. Like in the year 2015-16, our fiscal deficit was 5% of the GDP, and it reached to 6.6% of the GDP in 2017-18. But again, now it has reached to 4% of the GDP. So basically, it shows us about the up and down of our economy, that how our economy changes with the passage of time, with the new coming government. Similarly, if we look, our current account deficit is decreasing, like it was. At the start it was 1.7% of the GDP in 2015-16, then reached to 5.8% GDP in 17-18, which leads to a substantial drawdown of the foreign reserves in the country. Currently, agar hum dekhe to hamara jo current account deficit hai, it reached to 1.5% GDP, that is 3.3 billion during 1920, and of course it was $11.4 billion or 4.8% GDP in the 2018-19. But we are experiencing a decrease in our current account deficit, but one thing which we need to understand it to know that either this current account deficit is decreasing due to increase in exports or a decrease in imports. This is a question which we would study a little later. We can see in the coming table. For my students have issues in Pakistan economy, they should understand it. What is actually a current account deficit? Current account deficit is when current account deficit is the difference between your exports and imports. Agar aapki import zyada hai aur aapki export kam hai, to aapke sath current account deficit jo aayega. Mainly agar hum dekhe due to 29.5% contraction in the trade deficit and 5.5% growth in work remittance, iski wajah se hamara current account deficit tha ye 29.5% isme decrease aaya tha. Jo hamara current account deficit hai isme jo 29.5% hamare sath decrease aaya tha, it was due to ट्रेड डिफिसिट की कमी की वजह से, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो गैप था उसमें कमी आ रही थी, और जो 5.5 हमारे साथ एक्स्ट्रा इसमें आया हुआ है ड्यू टू द रेमिटेंसेस, दैट आर रेमिटेंसेस आर द फॉरेन फॉर द मनी दैट वी आर रिसीविंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज अर्न बाय आवर पीपल दैट आर वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज. If we look to our key economic indicators, they shows like a very disastrous picture, Like if you look in 2016-17, our GDP growth was 5.6
4%, then it reached to 5.8% in 2017-18, and again, जिसको हम कहते हैं कि we are always looking at a country, वो पीछे देखो पीछे वाला हमारा scenario है कि instead of going ahead, we look backward. So then our economic growth reached to 3.3% from the 5.8%, and then it reached to minus 0.38% in 2019-20. Many of the people in the government circle says that it's due to corona, but people and stalwart like Hafiz Pasha and others has already predicted that our economic growth is not like 3.3 and the surrounding figures. In fact, they say that it is 1.9 or around in 2018-19 and the 19-20, and the rest of the work was done by corona after March. So agar hum sirf ye kahe ki hamara economic growth minus 0.38% hai and this is due to corona, only factor corona hai, matlab hamari economy bahut achhi ja rahi thi, we are doing so very well, aur corona ne hamari zindagi economy ko jo hai usko barbaad kiya hai, to ye ek lame excuse hoga, kyunki corona hamare mulk mein aaya hai march mein, matlab February ke bilkul end mein, aur hamari jo economic growth hai wo uske jo symptoms the, uske jo signs the wo December November, aur usme hum dekh sakte the ki hamari jo economy hai kis side pe hum ja rahe hai. If you look agriculture sector, which is playing a very basic role in the economic structure, economic growth of the country, like in 2016-17 our economic growth was 2.1 and then it reached to 3.8% in 2017-18, and again it reached to 0.85% in 2018-19, and then it reached to 2.67% in 2019-20. The main crops that contributed to this economic this performance, i.e. the increase in the agriculture sector growth, are crops like rice, and now the economic survey shows that wheat productivity has also been increased in the country. There are also certain other crops and sector that have contributed towards the increase of agriculture sector growth from 0.85 to 2.67. Similarly, if you look to our industry, it shows a very a picture with great dismal, or it shows us a dismal affairs. Like in 2016-17, our industry was growing with a growth rate of 5.8%. 2017-18 mein hum grow kar rahe the 6.2% ke sath, and then all of a sudden we reached to 1.4 from 6.2, and then 2019-20 it reached to 2.64%. if you look to the performance of PTI's government in last their first 2 years, it shows they are diverging from their policies, from their political stance, and what they promised with the people of the country. Like they were saying, you would come up with policies, with stances that would help the economy to grow and that will help the industry to grow, but the picture is showing the other way around. Services sector, which is also a great contributor towards our economy, its growth was 6.5% in 2016-17, 6.4% in 2017-18, and then 4.71% in 2018-19, and it reached to minus 0.59 in 2019-18. सिमिलरली अगर हम अपने रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखें तो
2016-17 में जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारा जो था रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो 14.5 था, देन इट इंक्रीज टू 14.8% इन 2017-18 एंड देन इट रीच्ड अगेन इट डिक्लाइन टू 13.8 इन द 2018-19 एंड दिस इज अ सिमिलर पिक्चर कैन बी सीन इन द 2019-20. सिमिलरली if you look towards the public sector investment, like an investment we have two types, we have public sector public investment, we have private investment. Our public investment was 4.5% of the GDP in 2016-17, then it reached to 5% in 17-18 and then again it declined to 3.7% in 2018-19 and then again it experienced a little growth in 2019-20 from 3.7 to 3.8% GDP. If we look towards private investment, it was 10% of GDP, 10% and 10% of GDP in 2016-17, it was 9.8 in 2000. 16-17-18 and then it reached to 10.2% in 2018-19 and again it declined to 9.98% of the GDP in 2019-20. Similarly, FDI it was 0.9 billion in 2018-19 and reached to 2.1% in 2.1% 2019-18, which shows that jo 2018-19 ke muqabale mein 2019-20 mein Pakistan ke jo hai apna itna jo FDI hai, foreign direct investment hai, ye zyada ho gayi aur hamare government keh rahe ki it is because of our policies and so on so forth, unki jo claims hai. Many of our people in talk that coronavirus 19 has badly affected our economy and of course our financial market. So basically what happened that due to corona our exchange rate depreciated, or our exchange rate increased by 7.5% again as 10 strengthened dollar between February 26 और March 31 के दरमियान. क्यों? क्योंकि February 26 से पहले हमारे जो करेंसी थी, मतलब $1 was equal to 154.25 पाकिस्तानी रुपीस, and then in March 31st till March 31st the dollar reached to 166.71 rupees in March 20 March 31st, जिसकी वजह से हमारे जो स्पेंडिंग पावर है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, बहुत ज़्यादा उस पर मतलब एडवर्स इफेक्ट्स आ गई. अगर हम डेट मार्केट में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने क्या कर दिया, दे विथड्रू देयर मनी और राउंड अबाउट $1.7 billion जो थे ये हमारे टी बिल से लोगों ने निकाल दिए मार्च 2020 में. इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है, या अगर हम देखें कराची स्टॉक एक्सचेंज केसी इंडेक्स बेंचमार्क जो था, इसमें जो कमी आई वो होती 30.33% और जो हमारा है 1913.18 मतलब 1913.83 बिलियन रुपये जो है ये हमारे जो है वेब आउट ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन बिटवीन फरवरी 28 एंड मार्च 31st एंड इट शोज दैट कोरोना हैज बेडली अफेक्टेड आवर फाइनेंशियल मार्केट एज़ वेल एज़ द केस विद आवर ओवरऑल इकोनॉमी. सो दिस इज द लेक्चर फर्स्ट ऑफ आवर सीरीज इकोनॉमी टुडे. Inshallah, we will discuss the other related and other materials in our coming lecture. Thank you.